हेलो गाइज, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। और मैं बहुत सिंपल रेडी हुई हूँ क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल से पहना गाइज, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फीवर में, और पता ही है तुम्हें नहीं मन कर रहा था कुछ भी पहने का, तो मैंने ऐसे नॉर्मल सब कुछ कर लिया, नॉर्मल सी तैयार हुई हूँ और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है मेरा सूट और मैंने जो कल व्लॉग में दिखाया था मैंने वो नहीं पहना क्योंकि वो ज़्यादा टाइट था, मुझे कम्फी रहना है बिल्कुल। और अभी हम फटाफट चलते हैं। पहले मम्मी ने मुझे काम दिया है कि मैं बैठ के जो काम कर सकती हूँ वही कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद मांगा है। मैं ऐसे वेली पसंद नहीं है गाइस, मुझे वेले रहना, मैं अब गई 2 दिन तक ऐसे पड़े पड़े। तो दिए में बत्तियाँ लगानी है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फ्लावर्स लगाने हैं वो कर लेती हूँ, बैठ के करने हैं वो काम। तब तक मम्मी और काम निपटा रही है, फिर हमें करना है मम्मी को रेडी। मैं तो हो गई हूँ रेडी गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ नहीं है करना, मेरे नेल से होएगा भी नहीं। मम्मी तो गाइस अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी चश्मा उतारोगे, इसके ऊपर ही कर दूं। हम करते हैं मम्मी का आज मेकअप। मेरी माँ ने कभी जिंदगी में नहीं करा मेकअप वेकअप गाइस, पर आज हम करेंगे। बिंदी के ऊपर कर दूं, पैर मत रख देना मेरे पैर पे। हंसो कम मम्मी, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस बहुत कम। बालों का बनेगा जूड़ा, मुझे चोटी पसंद नहीं। हम लोग तो बहुत अच्छे से स्पॉन्ज से मर्ज करते हैं, पर मम्मी का ऐसे क्लीन कर रही हूँ। मैं मर्ज नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी की स्किन पे जरूरत पड़ती नहीं मेकअप की। ऐसे क्यों होता है मम्मी, सबको अपनी मम्मी ऐसी लगती है कि उनसे ऊपर कोई है नहीं औरत दुनिया में। अपने पापा भी लगते हैं अपनी मम्मी भी, कि बस उनसे ऊपर कोई नहीं है। सब बच्चे अपने मम्मी पापा को बहुत सुपीरियर मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो ज्यादा प्यार करते हैं। गाइस अपना मुंह होता है तो इंसान अच्छे से कर लेता है। बंद ही रखना ठीक है मम्मी, खोलना मत। गाइस जब भी तुम किसी और को मस्कारा लगाओ ना, एक ट्रिक है, बंद करवाओ आंख, हाथ ऊपर रखो और लगा दो। लिपस्टिक कौन सी लगाओगी, अपनी या कोई और? अपनी लगा लूं। आपके पास कौन सी है? रेड है। गाइस हम तैयार हो गए और पता नहीं इधर अंधेरा क्यों आ रहा है, मेरे कमरे में इतना आता नहीं है, शायद इस लाइट की वजह से। और मम्मी इधर आओ, आप दिखाने दो मैं कितना सुंदर तैयार किया गाइस अपनी मम्मी को, कितनी सुंदर लग रही है। और ये वो सूट था जो मैं लेके आई थी, बहुत सुंदर। हाँ जी गाइस, पापा नहीं करने देंगे कुछ, अभी आती हूँ। अयोध्या में ऐसे हुआ था भाई, दिए जलाने के लिए। मम्मी डायरेक्ट रख दो इसी में या फिर वो करोगी? अभी डायरेक्ट रख दे, फेर दो एक बार, फिर पहले जला दो सही सारे। अभी फिर ये उठेंगे कैसे?
उठ जाएंगे जला तो सही। तू कम दिमाग लगा रखा है, छोटी मम्मी कम बना कर। तो ऐसा कैसे बैठी है? पैर की वजह से ना पूरी दुनिया को। पैर तो ठीक है, अंगूठे में ही तो है थोड़ी सी बस खरोंच। देख लेता ना कैसे होती है खरोंच। मैं ही गया था लेके। सब कह रहे थे कि वीडियो देखे कि विवेक भैया और आप में कितना प्यार है यार। बस ब्लॉग के लिए था, रियल में कुछ नहीं है ऐसा। कि विवेक भैया को भी दर्द हो रहा था, हंस रहा था ये वहां पे, इसे नहीं पता चल रहा था क्या दर्द है क्या नहीं। इसको गुदगुदी कराने में क्या मजा आता है गाइस, मुझे आज तक नहीं समझ आई इसकी। और ये मेरे पैरों पे क्यों कर। हैप्पी दिवाली मेरे वूफड़ू। गाइस वूफू शायद पहला डॉग ऐसा है जो पटाखों से बिल्कुल नहीं डरता, इसको कोई एंजाइटी नहीं होती पटाखों की आवाज से, कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहता है। गाइस फाइनली ये बहुत लेट आई घर पे, क्योंकि ऐसी चल रही है, तेरी खराब हुई सबकी खराब हुई, ये होता है हमारे साथ। कल मेरा तो चेकअप है यार, मेरे आधे सर में दर्द है और मुझे आधे लोग अपना अपने सारे गिफ्ट्स ले जा और माइग्रेन। मैंने बोला आधे लोगों ने, मैंने बताया इसको कि शायद तुझे माइग्रेन चेक करा रही, क्योंकि बहुत कॉमन होगी ये चीजें, स्ट्रेस लेके टेंशन लेके। मुझे ये मिली है देख। हाँ मैंने चूज की है, मुझे क्या दिखा रही है। अगर ये अंदर से ऐसी नहीं निकली ना, सेम है ऐसी ऐसी निकला कि मैंने बिल्कुल डिटो। हाँ ठीक है फिर तो ले लेते हो। और गाइस हमने इसको बहुत सारी मिठाइयां भी दी, इसको पैसे भी दिए। और ये तू लाई है? हाँ। ओ वाओ पापा के लिए। अरे मतलब पापा शौकी हम ना खाएं, हम नहीं खाएंगे क्या? खा यार खा। नाइस बता मम्मी ये क्या लग रहा आपको? ये अंजीर जैसा लग रहा है मुझे। अंजीर नहीं है, मौसमी है। पाइनएप्पल नहीं, पाइनएप्पल नहीं, गोल गोल ऐसे जैसा अंजीर। और ये कीवी, कीवी ये कीवी है। और ये कुछ अलग आइटम है, ये बादाम है। चलो 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 हमें खोल के सारे। हैप्पी दिवाली। मैं पता क्या बोल रही थी, हैप्पी होली। गाइस हमें ऐसे पैर धोने पड़ रहे हैं क्योंकि हम दूसरा पैर गीला नहीं कर सकते। कितना पुण्य कमा रही हो पता है इस टाइम पे, भगवान के पैर। सही कह रहे, पता नहीं चढ़ा रही कितना ज्यादा सूज गया ये पैर मेरा चलने से। सो गाइस फाइनली दिवाली खत्म हो चुकी है, रात के 11 बज चुके हैं, हमने खाना खा लिया है। और एक सेकंड गाइस सॉरी, हमने खाना खा लिया है और शिल्पा भी घर चली गई है। अब मेरे पैर में हो रही है बहुत तेज़ पेन स्टार्ट। मैंने बहुत हिम्मत करी आज कि दिवाली स्पॉइल ना हो और मैं सब काम करूँ, सबके साथ मिलजुल के रहूँ, क्योंकि लेटी रहती तो फिर कुछ नहीं होता, फिर बोरिंग बेकार बकवास व्लॉग जाता फिर से। तो मैंने व्लॉग के लिए बहुत एफर्ट्स करे और अब बहुत मेरा पैर, मैं दिखाती हूँ, ये देखो गाइस अब मेरा ये पूरा पैर यहाँ से स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि चलने के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था और मैं तो हद से ज़्यादा चल चुकी हूँ। तो अब दवाई खाऊंगी और सीधा सो जाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा आज का व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और हैप्पी दिवाली वंस अगैन सबको मेरी तरफ से और उनकी फैमिली को भी। बाकी आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ खैर, बाय। सानू नेड़े ला लाया सी गुची सटियां दिल दे आ मौमे आदतां ने कपियां थोड़े जे आ रूड थोड़े आ रू घंटियां।